हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा SOL की प्राध्यापिका बोल रही हूँ। आज मैं BA प्रोग्राम हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल में से मध्यकाल के कवि बिहारी लाल जी के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी देते हुए उनके महत्वपूर्ण दोहों की चर्चा करूंगी। बिहारी का संक्षिप्त परिचय। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। महाकवि बिहारी ने ससई की रचना की है। बिहारी ससई मूलतः श्रृंगार प्रधान रचना है। बिहारी ससई में भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे हैं। इन दोहों में अनेक प्रकार के अर्थों का समावेश किया गया है। बिहारी ससई में नायक नायिका के शारीरिक सौंदर्य की अनेका अनेक भंगिमाओं, आंगिक चेष्टाओं का कलात्मक रूप प्राप्त होता है। बिहारी ने अपनी भाषा के माध्यम से सहज सौंदर्य को भी मादक एवं मनमोहक बना दिया है। अब हम बिहारी लाल के महत्वपूर्ण दोहों के बारे में यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से बिहारी ने अपने जीवन में अनेक दोहों में अनेक प्रकार से अर्थों का रूप स्वरूप साहित्य में बिखेरा है। पहला दोहा, बह के सब निये की कहत ठोर कठोर लखे ना छिन औरे छिन और से ए छवि छाके नैनन। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कविवर बिहारी ने इस छंद में नायिका से संबंधित चर्चा का रूप प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत छंद बिहारी रीति काल से अवतरित है। बिहारी ने अपने जीवन में अनेक छंद लिखे जो भक्ति, नीति और श्रृंगार पर आधारित है। नायिका पूर्व रागनी है, प्रेमी को निरंतर देखने की उसकी इच्छा अभिलाषा बनी रहती है। नायिका की ऐसी दशा को देखकर उसकी सखी उसे समझाती है कि इस तरह से बेचैन होना ठीक नहीं है। इस पर नायिका उत्तर देते हुए कहती है कि हे सखी, ये नेत्र मान मर्यादा लज्जा रूपी नियम को नहीं मानते हैं, पर जब नायक समीप होता है तो इनसे देखते नहीं बनता। नायक जब दृष्टि से ओझल हो जाता है तो मन व्याकुल और विचलित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये नेत्र तो उस नायक की रूप की मदिरा का रसपान करके छक गए हैं। सखी, मुझे इस बात का आभास ही नहीं रहता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। नायक को देखकर ये अनायास ही बहक जाते हैं। ये क्षण में किसी और प्रकार के होते हैं और दूसरे ही क्षण किसी और प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पर कवि बिहारी ने नायिका की बेचैनी को, पीड़ा को, वेदना को दिखाया है। साथ ही साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और भेदा अतिशोक्ति और मानवीय अलंकार का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दूसरे पद में कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य की चर्चा का रूप प्रस्तुत किया है। जोगे जुगती सिखे सब मनो महामुनि नैनन चाहत प्रिय अद्वैतवता कानन सेवत नैनन। कहने का तात्पर्य है, नव युवका मुग्धा नायिका में यौवन आ जाने से उसके बड़े नेत्र दीर्घ होते हुए कानों तक पहुंच जाते हैं। उसके सुंदर नेत्रों को देखकर सखियां उसकी प्रशंसा करती हुई उसका उत्साह वर्धन कर रही है। कहने का तात्पर्य है, नव यौवना मुग्धा नायिका अपने यौवन की ओर बढ़ रही है। नायिका के सुंदर नेत्र कानों तक पहुंच रहे हैं, मानो कामदेव का संदेश नव यौवना मुग्धा को मिल गया है। वह प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा में वन में निवास कर योग की सारी शिक्षाएं मानो जान गई हो। भाव यह है कि जिस प्रकार किसी महायोगी से योग की समस्त शिक्षा लेकर कोई भी कानन सेवी ब्रह्म में एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार मानो नायिका के विशाल नेत्र कामदेव रूपी महामुनि से संयोग की समक्ष शिक्षा लेकर कानों के समीप जाकर प्रियतम से अलग नहीं होना चाहते हैं, प्रियतम के साथ रहना चाहते हैं, प्रियतम के निकट रहकर उन्हें बार बार देखने की अभिलाषा बनी रहती है। इसमें कवि ने नायिका की मुग्धा अवस्था को दिखाया है जिसमें वह संधि की ओर संकेत किया गया है।
जोग प्रिय अद्वैतता कानुन सेवत नैनन में शैलेश अलंकार है, माधुर्य प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। बिहारी लाल जी का तीसरा और महत्वपूर्ण पद जिसमें कवि ने नायक के रूप सौंदर्य में पूरी तरह से अपने आप को अर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया, इस तरह का भाव कवि ने ज्ञापित किया है। कीने हूं कोरिक जाता अब कहीं का ठाड़े कोनो, भो मन मोहक रूप मिली पानी में को लोनू। कहने का तात्पर्य है कि नव यौवना नायिका का मन नायक के प्रति आकृष्ट है, नायक के प्रेम में नायिका का मन कहीं भी नहीं लगता, किसी भी कार्य में उसका रूप स्वरूप नहीं ज्ञापित होता। कविवर बिहारी ने नायिका के विचलित मन की दशा का चित्रण किया है। सखिया नायिका को निरंतर समझाने का प्रयास करती हैं, पर नायिका को नायक के अलावा कुछ स्मरण या कुछ याद नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है, व्याख्या यह है कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि मोहन का मन मोहक रूप मेरे मन में इस तरह से बस गया है कि जिस तरह पानी में नमक मिल जाता है या घुल जाता है, उसी प्रकार मोहन का लावण्य रूप मेरे मन में बस गया है जिसे चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता। हे सखी, अब कोई कितना भी समझाए पर मेरे मन में मोहन का जो रूप है वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, अंदर इस तरह से समा गया है कि किसी और की अभिव्यक्ति उसमें व्यक्त होती हुई दिखाई नहीं देती। यहाँ पर कविवर बिहारी ने विरह वेदना का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है, साथ ही साथ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने तीन महत्वपूर्ण पदों की यहाँ पर चर्चा की है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके अन्य शेष पदों के बारे में जानकारी दूंगी और आप इससे अपनी भावा अभिव्यक्ति निम्न पदों के साथ अभिव्यक्त